पोती की तरह पुरोया है, क्या लिखा है कैसे? इस रागिणी को शुरू होने से पहले छोटी बच्ची 50 रुपए से और 20 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। क्या लिखा कैसे? गिरे अन्नदाता किसान के संग में, तुम मत ना ऐसा व्यवहार करो। व्यवहार करो और अरे बेड़ा हो जा बरक तुम्हारा, मत ना अत्याचार करो, मत ना अत्याचार करो। और अन्नदाता किसान के संग में, मत खोटा व्यवहार करो, बेड़ा हो जा तुम्हारा, मत ना अत्याचार करो। किसानों की रागिणी पर खुश होकर के परमादरणीय ढाका परिवार की तरफ से 100 रुपए का मान सम्मान दिया जाता है, बार बार धन्यवाद। सजनों, एक तरफ तो वो जो सबका पेट भरता हो और रात को वही खाली पेट सोता हो, ये कहां का यहां न्याय है? अगर रागिणी की एक एक बोल अच्छी लगते रहे तो मेरे लिए नहीं, उस कवि के लिए और उनके लिए जिन्होंने आज इस भारत माता के लिए अपने प्राणों की न्योछावर कर दिया और हमारे किसानों के लिए दिन देखा ना रात, उनके लिए एक बार जोरदार ताली आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। पहली कली में क्या लिखा है कैसे? पसीने से धरती में अन्न उगाता है, अपने खून पसीने से धरती में अन्न उगाता है। कोई पैदा सारी चीज करे, पैदा सारी चीज करे, खुद रूखा सूखा खाता है। और पेड़ किया है सजनों, अरे कभी कभी तो बेचारा खुद भूखा ही सो जाता है, कभी कभी तो बेचारा खुद भूखा ही सो जाता है। और बन के जाली में इसके ऊपर, बन के जाली में इसके ऊपर, और मत घातक प्रहार करो, बेड़ा हो जा कर तुम्हारा, मत ना अत्याचार करो। हमारे सभी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और जाड़े का टाइम चल रहा है, न तो दिन देखते न रात देखते, पारा पड़ रहा है और फावड़ा ठा करके ठंडे जल में बढ़ जाता है। सुबह के 4 बजे हो, 3 बजे हो, 2 बजे हो, कभी बिजली आती है कभी जाती है, हफ्ता भर हो जाता है सोए को भी, लेकिन उसे दिखता है कि मेरे भारत के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शाम को भूखे, उनको भूखे नहीं सोने देगा, खुद भूखा सो जाएगा। क्या लिखा है दूसरी कली में? और परमादरणीय 100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। क्या भाई पाड़ा पड़े खून जम जा, पाड़ा पड़े खून जम जा, पानी जमींदार लगाता है, लत्ते तार फावड़ा था ठंडे जल में बढ़ जाता है।
नहीं सो पाता है। लूचा ने जब करे कटाई कुछ दुख दर्द समझिए, इनका कुछ दुख दर्द समझिए। मत नाच लो अपार करो, अरे बेला हो जा करत तुम्हारा। मत नाया क्या चाय करो, मत नाया क्या चाय करो। भाई हमारे इस किसानों की रागनी पे खुश होकर छोटा बच्चा आयुष गामड़ी से भाई 100 रुपए का पुरस्कार सम्मान करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटा बच्चा गुरविंद जी, हाँ वो भी 100 रुपए से, जो छोटू भाई जी के पोता है भाई, वो भी सम्मान कर रहा है इस किसान की रागनी पर भाई बलराम बैसला जी का। तो भाई मैं आपकी तरफ से चाहूंगी आप भी एक बार जोरदार तालियों का सम्मान करें, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर रागनी आपके बीच से चल रही है। और सजनों, क्योंकि ये मेरे भारत देश की धरती है, ये हमेशा सोना हीरे बोलती आई है, तो सभी को मेरे साथ क्या कहना है, वो मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे बोलती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बेटी मार डालोगे तो बहू कहां से लाओगे, अरे किसान को मार डालोगे तो रोटी कहां से खाओगे, किसान को मार डालोगे तो जोरदार ताली से जोरदार ताली। हम सुख से तो जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ अन्यायी पापी लोग जो पहले भी थे आज भी हैं, उन्हें काटने के लिए हमारे टिके साहब आज लठ लेकर के खड़े हैं कि उन्हें लठ से इतना मारेंगे, ऐसे ऐसे कानून बना देंगे, जब किसान का 1 रुपया भी मारेगा ना, उसे सीधे जेल होगी या सीधे फांसी होनी चाहिए, क्योंकि 1-1 रुपया इतना कीमती होता है किसान का। सजना कुछ लोग ऐसे हैं किसान जो कर्ज के नीचे दब जाते हैं, फांसी खा लेते हैं, ऐसे मेरे भारत देश में आज किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या लिखा, कैसे क्या बताया, कुछ फांसी खा जाते हैं, दर्द के नीचे दबे भगे कुछ फांसी खा जाते हैं। कुछ अत्याचारी ने अन्याई इनका गड़ा दबाते हैं, ये काड़े कानून बना के इनको तो तड़पाते हैं, इनकी मांग माननी होगी, इनकी मांग माननी होगी।
जी बिशनगढ़ से स्वर में सम्मान सम्मान करते हैं हमारे दादाजी परमादरणीय परमादरणीय सतपाल चौधरी जी, 2100 रुपए पहले और 50 रुपए से फिर मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद करता हूँ। सजनों, सबसे जो बड़ी अच्छी लाइन लिखी है वो इस गली में लिखी है, कैसे के रे कहाँ छुपा के रख दूं, कहाँ छिपा के रख दूं अपने हिस्से की सराफत, कहाँ छिपा के रख दूं अपने हिस्से की सराफत, जिधर देखता हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। कहाँ छिपा के रख दूं अपने हिस्से की सराफत, जिधर देखता हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश लोगों, खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं, खेतों में बिल्डर हैं और सड़कों पर किसान खड़े हैं। कि अगर किसी इनको छुआ गया कि हक दे दो वीर किसानों का, ना तो घना पवाड़ा हो जाएगा और जब हाथ में लाठी ठा लेंगे तो नया तमाशा भी हो जाएगा। अगर इन्होंने लाठी ठा ली तो कुछ अलग हो जाएगा। क्या देखा लाठकली में, कैसे परिवार की तरफ से 2100 रुपए पहले 100 रुपए से फिर मान सम्मान करते हैं और अजय ढाका जी जिन्होंने 200 रुपए से मान सम्मान किया उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ये तो ऊंट मट्टी ना कर देंगे, ऊंट मट्टी ना कर देंगे, तू का संतोष किसान के रोगे, अरे मूड पकड़ के रोगे, तब देखे जोश किसानों का, मूड पकड़ के रोगे जोश किसानों का, अरे अपने हक की लड़ाई लड़ाई कोन्या दोष किसानों का, लिख देगा अरे लिख देगा हरे राम बेसला सारा रोष किसानों का, बलराम बेसला मिल गए से, बलराम बेसला मिल गए।